हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे तुराई आलू की भाजी। तो इसके लिए हम आलू को अच्छे से धो के उसका छिलका निकाल लेंगे। अभी हम आलू को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। देखिए, पहले इसको हाफ कर लेना है और फिर तीन पार्ट में काट के उसको ऐसे छोटा छोटा पीस कर लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब वैसे आलू को काट लेना है। देखिए, हमारा आलू अभी कट चुका है। अभी हमें तुराई को काटना है, उसका भी छिलका हम निकाल लेंगे। अच्छे से छिलका निकालने के बाद फिर तुराई को भी आलू जैसा छोटा छोटा पीस करके हम काट लेंगे। उसको ऐसे बीच में से काट के फिर उसका भी छोटा छोटा पीस कर लेंगे। अभी हम आलू और तुराई को पानी में अच्छे से धो लेंगे। देखिए, उसका आलू और तुराई का पीस इतना बड़ा बड़ा रखिएगा, इससे ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा। अभी हम गैस ऑन करके कढ़ाई लेंगे और उसमें 3-4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, फिर जीरा डाल देंगे। जीरा को थोड़ा सा चटकने देंगे। फिर अभी हम सरसों डालेंगे। यहाँ पे हम इसी स्पून में 1 स्पून जीरा और 1 स्पून सरसों डाले हैं। उसको थोड़ा सा ऑयल में चटकने देंगे। फिर हमने जो प्याज और हरी मिर्च काट के रखे थे, अभी वो डाल देंगे। यहाँ पे हमने 3 हरी मिर्च काट के रखे हैं, उसको डाल देंगे। फिर एक बड़ा सा प्याज को हमने ऐसे काट लिया है। अभी दोनों को तेल में अच्छे से भूनने देंगे। Thank you.
भाजी कंप्लीट हो चुका है। आप इसको रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं और ये बना के हमको ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।